गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गोनिशी चचान है। मेरे स्कूल का नाम संस्कार नैनपिक समुद्रपुर है और मेरा सेक्शन 6A है। मैं आज आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है एक महल में 12 रानियों का रहस्य। उस ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। उसका बहुत बड़ा एक महल था। उस महल में उसकी 12 रानियाँ रहती थी, 12 राजकुमारियाँ रहती थी। उसने हर उस 12 राजकुमारियों को नए हर एक दिन नए शूज दिलाने पड़ते थे, हर एक दिन नए नए शूज निकाल देने पड़ते थे। और ऐसे ही उस राजा को समझ नहीं आया कि मुझे हर एक दिन नए नए शूज दिलाने पड़ते हैं, लेकिन क्यों। फिर उसने एक दिन ऐसा घोषणा की, गांव में घोषणा की कि मेरे 12 रानियों का रहस्य जिसने भी ढूंढ के निकाला उसे मैं राजा बनाया जाऊंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे राजकुमार आए, सिपाही आए, उन्होंने उनको किसी को भी उस 12 रानियों का रहस्य नहीं मिला। उनको फांसी के ऊपर चढ़ाया गया। ऐसे ही एक दिन उस गांव में एक गुलाब नाम का एक लड़का आया। उस गुलाब ने सोचा कि मैं उन 12 रानियों का रहस्य ढूंढ निकालूंगा। उन 12 रानियों का रहस्य ढूंढने के लिए वो खोज निकल पड़ा, राज्य के तरफ जाने लगा। और एक दिन ऐसे राज्य के तरफ दूर जाते वक्त उसे एक बूढ़ी औरत मिली और उस बूढ़ी औरत को तकलीफ जा रही थी सामान उठाने के लिए। तो वो बोला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो बोली हाँ क्यों नहीं। तो उसने उसकी मदद की और वो उसके झोपड़ी में लेके गया। और उस दादी माँ ने बोला कि आप उस बड़े से महल में जा रहे हो जहाँ पे 12 रानियों का रहस्य मिलता है। वो बोला हाँ मैं 12 रानियों का रहस्य ही ढूंढने जा रहा। तो उस बूढ़ी औरत ने एक कपड़ा दिया उसे लपेटने के लिए। वो बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम उस कपड़े को लपेट लोगे, तुम आगे वाले को नहीं दिखोगे, तुमको दिखेगा सब, लेकिन जो तुम्हें देखेगा उसको कुछ नहीं दिखेगा। फिर उसने पहले दिन उसने वो ही किया। और वो दादी ने बोला कि वो 12 रानियों में से कोई भी रानी आप ग्लास में शरबत लेके आएगी वो पीना नहीं, उसमें गुंगी की दवाई डाली हुई रहती है। फिर वो बोला ठीक है दादी माँ, और वो फिर सफर में चला पड़ा। और वो ऐसे ही करते हैं उस बड़े से महल में जा पहुंचा। और उस बड़े से महल में उसने एक दिन उसने शरबत पी लिया और दूसरे दिन बड़ी रानी आई उसको शरबत देने, लेकिन उसने शरबत नहीं पिया और उसने सिर्फ नाटक किया। और दूसरे दिन वो गया उनके पीछे गया और उसने देखा कि बड़े रानी के सिंहासन के नीचे एक रास्ता जा रहा था। सब रानी एक एक करके चली गई, उसके पीछे वो गुलाब भी चला गया। पहले तो उसने देखा क्या सोने के पेड़ देखा, उसने एक लकड़ी तोड़ ली सोने के पेड़ ने। वो थोड़े दूर जाने के बाद उसने देखा चांदी का पेड़ देखा, एक लकड़ी तोड़ ली उसने। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे हीरे का पेड़ दिखा, उसने एक लकड़ी तोड़ ली। ऐसे ही तीसरे दिन आया, तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन राजा ने बोला क्या तुमने लाया वो रहस्य मेरे रानियों का। उसने बोला हंसते हुए कहा कि हाँ मैंने उस 12 रानियों का रहस्य लाया। उसने अपने झोले से एक लकड़ी निकाली, पहले सोने की निकाली, फिर चांदी की निकाली और फिर हीरे की निकाली। राजा बोला इससे तुम्हारा रहस्य क्या मिला। फिर उसने बोला कि बड़े रानी के सिंहासन के नीचे एक दरबार जाता है, उसमें हमें सोने का झाड़ मिलता है, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद चांदी का मिलता है, थोड़ी दूर जाने के बाद हीरे का मिलता है। तो उसने ऐसा किया। फिर उस राजा ने बोला हाँ, फिर रानियों को पेश किया जाए। और रानियों को पूछा राजा ने कि ये सही है, सच है। वो बोला हाँ ये सच है। फिर उसने उस राजा ने बोला उस गुलाब से कि आपको कौन सी रानी पसंद है इसमें से। उसने बोला कि मुझे सबसे छोटी वाली रानी आपकी पसंद है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम हमने मन लगन से किया ना, कोई भी काम हमने मन से किया और लगन से किया ना, वो हमें उस काम में हमें सफलता ही पाती है। थैंक यू।